तो की हाल चाल दोस्तों, मेरा नाम है सानू। फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट कैसे करें, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाले हैं। फ्लिपकार्ट पे लेटर का मतलब है कि दोस्तों, आप जो है फ्लिपकार्ट से आज शॉपिंग करेंगे और उसका पेमेंट जो है आपको अगले महीने 5 तारीख को करना होता है। फ्लिपकार्ट पे लेटर में दोस्तों आपको जो है 1 लाख का लिमिट मिल जाता है। अभी दोस्तों फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन डे सेल आने वाला है। अगर आप अभी फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट करते हैं तो आपको जो है फ्री में 1000 रुपए तक गिफ्ट वाउचर मिलेगा, जिससे दोस्तों आप जो है फ्लिपकार्ट में शॉपिंग कर सकते हैं। तो कैसे आपको जो है फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट करना है, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट करने के लिए अपना फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास फ्लिपकार्ट ऐप नहीं है तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन कर लिया है। उसके बाद क्या करना है, एक ऑप्शन है अकाउंट का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो दोस्तों इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी पास जो है फ्लिपकार्ट पे लेटर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है फ्लिपकार्ट में पे लेटर का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है शॉप नाउ पे नेक्स्ट मंथ। मतलब दोस्तों अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो दोस्तों आप जो है फ्लिपकार्ट पे लेटर का यूज करके शॉपिंग कर सकते हैं और अगले महीने आप जो है 5 तारीख से पहले उसका पेमेंट कर सकते हैं। पे देख सकते हैं लिखा हुआ है साइन अप एंड गेट अप टू 1000 गिफ्ट कार्ड, यानी दोस्तों यहाँ पर आपको जो है 1000 रुपए तक का गिफ्ट कार्ड मिलेगा अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है और एक ऑप्शन है एक्टिवेट नाउ का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जिसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड का नंबर डालने के लिए ऑप्शन मिल चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जिसका भी आप पैन कार्ड का नंबर डाल रहे हैं उसी का जो है आधार कार्ड का नंबर होना चाहिए। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद एक ऑप्शन है कंटिन्यू का, तो आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसे दोस्तों आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जिस ओटीपी को आपको जो है यहाँ पे डालना है और एक ऑप्शन है वेरीफाई का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस जो है आपके आधार कार्ड से फैच कर लेगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट नीचे लिखा हुआ है कि यह जो आपको पे लेटर मिल रहा है आपको IDFC फर्स्ट बैंक की ओर से दिया जा रहा है। अब नीचे एक ऑप्शन है एग्री एंड सबमिट का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जिसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेसिंग लेगा और कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं UPI ID डालने का ऑप्शन मिल चुका है, या फिर दोस्तों यहाँ पर आप जो है अपना बैंक अकाउंट का नंबर, IFSC कोड भी डाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम जो है अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स डाल दिए और एक ऑप्शन है वेरीफाई एंड सबमिट का, इसके ऊपर क्लिक कर दिए। जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है एलिजिबिलिटी चेक किया जा रहा है, इसके लिए 60 सेकेंड का टाइम लगेगा और दोस्तों जितना भी आपको लिमिट मिलना होगा आपके पास शो करेगा। जैसे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मुझे जो है 1000 रुपए का लिमिट मिला है फ्लिपकार्ट में, यानी दोस्तों हम जो है फ्लिपकार्ट पे लेटर का यूज करके फ्लिपकार्ट से 1000 रुपए तक का कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप दोबारा से फ्लिपकार्ट को ओपन करते हैं और दोस्तों अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद फ्लिपकार्ट पे लेटर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों जो भी आपको लिमिट मिला होगा यहाँ पे शो करेगा। और दोस्तों यहाँ पर जो आपको 1000 रुपए का मिलने वाला था ये दोस्तों आपको जो है फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर में शो करेगा। तो इस तरह से आप जो है फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग का कोई भी सवाल हो तो नीचे में कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।